देखें, लास्ट वीडियो में हमने जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो विद इक्वल और अनइक्वल क्लास इंटरवल तक कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि जो है वो नया टॉपिक भी जो है वो इंक्लूड हुआ हुआ है, क्या वो था इस क्या नाम है स्कैटर डायग्राम और लाइन ऑफ बेस फिट, ठीक है। तो उसकी वीडियो तो मैंने आपको शेयर भी कर दी थी, उससे क्वेश्चन भी शेयर कर दिए थे। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा ये रह गया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, ठीक है, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो ड्रॉन किया जाता है बिटवीन क्लास बाउंड्रीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के दरमियान में। क्लास बाउंड्रीज जो है वो क्लास बाउंड्रीज आती हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आती हैं वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। यहाँ अब हम जो है वो दो टाइप के जो है वो कर्व पढ़ेंगे। एक आएगा जो कि लेस देन क्लास बाउंड्रीज होंगी, दूसरा आएगा जो कि मोर देन क्लास बाउंड्रीज होंगी। जब लेस देन क्लास बाउंड्रीज होंगी तो ये फर्स्ट टाइप कहलाती हैं, और इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, मुझे वो सारी चीज़ें समझाना है। यानी कि आपने जब इस आपने जो क्वेश्चन गिवन है तो आपने ये चीज़ देखनी है कि वो लेस देन लेस देन क्लास बाउंड्रीज हैं या मोर देन क्लास बाउंड्रीज हैं, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया है, फॉर एग्जांपल मार्क्स लिखे हुए हैं 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज 5, 6, 4 एंड 2, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो पास पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से बन के आते हैं। फिर पहले ये वाला कॉलम होगा, फिर दूसरा जो है वो टेबल होगा, उसमें इस तरह से लिखा हुआ होगा कि लेस देन सी बी। अब ये लेस देन सी बी है, ये क्या है, ये लेस देन क्लास बाउंड्री है, ये मोर देन क्लास बाउंड्री है, ये लेस देन क्लास बाउंड्री है, ये मोर देन क्लास बाउंड्री है, लेस देन है या लेस देन कह लें या लोअर क्लास बाउंड्री कह लें या अपर क्लास बाउंड्री कह लें, लोअर क्लास बाउंड्री या अपर क्लास बाउंड्री या लेस देन क्लास बाउंड्री कह लें और मोर देन क्लास बाउंड्रीज कह लें, कोई मसला नहीं है, राइट। तो देखें अभी हमने 5, 10, 15, 20 और ख़त्म किसके ऊपर होगा, 25 के ऊपर। देखिए इसी तरह से लिया हुआ लेस देन 5, सही है, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25। तो जब भी आपका क्वेश्चन ये यहाँ पर यहाँ तक इस तरह से जो है वो पास पेपर में गिवन होता है, राइट। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ड्रॉ करनी है, राइट। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो लेस देन है या मोर देन है। मैंने चेक किया, ये तमाम जो क्लास बाउंड्रीज हैं जो ली गई हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लेस देन है। तो जब भी लेस देन क्लास बाउंड्रीज हों तो पहली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमेशा क्या रखी जाती है, ज़ीरो रखी जाती है। ये याद रखिएगा, जब भी लेस देन क्लास बाउंड्रीज हैं तो फर्स्ट सी एफ विल बी ज़ीरो, राइट। अब देखें किस तरह से करेंगे, दिस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस फाइव, 0 plus